हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डिजिटल पेंटिंग। ओके, सो कैसे एक डिजिटल पेंटिंग हम लोग लेयर वाइज करेंगे क्रीटा में, हम लोग वो सीखेंगे। सो लेट अस गो टू क्रीटा। मैंने क्रीटा ओपन किया, यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल कर लेते हैं। मैं फाइल में गया, न्यू फाइल। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपना पिक्सल साइज यहाँ पे खुद देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1500 पिक्सल्स देता हूँ और यहाँ पे 1000 पिक्सल्स देता हूँ। जस्ट इमेजिनरी पिक्सल्स, PPI भी 100 ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे। सो 1500 by 1000 पिक्सल्स का मैंने एक फाइल लिया। सो मैं 1500 by 1000 क्यों ले रहा हूँ, मैं थोड़ा ये पोर्ट्रेट के जैसा चाहता हूँ। ओके, 1000 1000 करने से क्या होगा, वो स्क्वायर साइज हो जाएगा। ओके, सो प्रिंटिंग में अगर थोड़ा सा ऐसे पोर्ट्रेट रहेगा तो अच्छा रहेगा, सॉरी लैंडस्केप रहेगा तो अच्छा रहेगा। सो क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, सो यहाँ पे मैं दो वर्ड आपको अभी यूज़ किया, एक है पोर्ट्रेट और एक है लैंडस्केप। ये दोनों का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या होता है, मान लीजिए मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये A4 का पेज है। ओके, अगर मैं इसको आपको सीधा पकड़ के दिखा रहा हूँ, ऐसे जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, तो इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट मोड। कंप्यूटर में डिजिटल इमेज को अगर ऐसे दिखाया जाता है, इसको बोला जाता है पोर्ट्रेट मोड। ओके, अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, ऐसे रखते हैं, तो इसको बोला जाता है लैंडस्केप मोड। ओके, सो लैंडस्केप मोड का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सीनरी बनेगा, वैसा कुछ नहीं है। लैंडस्केप मोड का मतलब है कि ये वाला इस ऐसे रहेगा पेपर। पोर्ट्रेट मोड का मतलब है आपका पेपर ऐसे रहेगा, ठीक है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके, सो मैंने थोड़ा लैंडस्केप मोड रखने के लिए ऐसा लिया है। ओके, सो नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट ए डिजिटल पेंटिंग। सो डिजिटल पेंटिंग में क्या करना चाहता हूँ, मैं एक सीनरी बनाना चाहता हूँ। ओके, सो आई वॉन्ट टू क्रिएट ए सीनरी लाइक दिस। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड कर लेता हूँ ऐसे। सो यहाँ पे हमारा जो ये वाला ऑप्शंस है, ये हमको बहुत ज़रूरी है। ये जो साइड में आप देख रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शंस है, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये लेयर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, लाइक दिस। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल पेंटिंग का। कंटेंट्स में क्या करूँगा, मैं एक इमेजिनेशन करता हूँ कि मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए। ओके, सो आई नीड ए बैकग्राउंड। ओके, सो उसके बाद मुझे उसमें चाहिए, मान लीजिए बैकग्राउंड में एक स्काई चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ माउंटेंस चाहिए, उसके बाद मुझे कुछ ट्रीज चाहिए, कुछ बुशेस चाहिए। सो इंडिविजुअली आई वॉन्ट वन थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद अ बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मुझे एक स्काई चाहिए। अभी देखिए बैकग्राउंड लेयर है, इसके ऊपर आपका लेयर वन लिखा हुआ है। ओके, सो व्हाट आई डू इज आई गो टू दिस ब्रश टूल एंड व्हाट एवर आई विल डू नाउ इट विल बी ओनली इन ब्रश टूल। ओके, सो आई विल नॉट बी यूजिंग एनी अदर टूल, आई विल यूज ओनली ब्रश। ओके, सो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, चूज ब्रश सेट। यहाँ से आप ब्रश चूज कीजिए। ओके, सो आई एम यूजिंग इंग्लिश हिंदी में मिक्स करके बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मिक्सिंग, बट एज दिस इज़ ए ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, मैं क्या बता रहा हूँ दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट आई एम विच ऑप्शंस आई एम यूजिंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चूज करता हूँ ये वाला एक स्मूथ कलर का ब्रश चूज़ करता हूँ, एयर सॉफ्ट ब्रश। यहाँ पे एयर सॉफ्ट ब्रश चूज़ कर लीजिए। यहाँ से हम लोग ब्लू कलर चूज़ कर लेते हैं, चूज ए स्काई ब्लू टाइप ऑफ कलर, ये वाला कलर। ओके, सो देन व्हाट आई विल डू, ऊपर एक ऑप्शन है देखिए ओपासिटी, आई विल रिड्यूस दिस ओपासिटी। ओके, सो नाउ आई गो टू द स्क्रीन। ब्रश छोटा बड़ा करने का सिंबल है ये वाला, स्क्वायर ब्रैकेट आपको बताया था, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ओके, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ओपेसिटी और कम कर देते हैं। ओके, ये ब्रश साइज़ थोड़ा बड़ा कीजिए, छोटा कीजिए, इसको 4-5 बार ऐसे रुक रुक के यहाँ पे ड्रैग कीजिए। ओके, सो द बैकग्राउंड शुड लुक लाइक ए स्काई। अगर ओपेसिटी 100 में बन जाएगा तो वेरिएशंस नहीं आएगा। अभी देखिए आपका वेरिएशंस आ रहा है लाइक दिस, मतलब मैं बीच वाला वाइट कलर इंटेंशनली नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बट बिकॉज ड्यू टू दिस ओपासिटी कंप्यूटर इज ऑटोमेटिकली मेकिंग इट लाइट एंड डार्क। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे
एक बैकग्राउंड स्काई बना दिया लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कुछ ग्राउंड बनाऊँ। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए न्यू लेयर। न्यू लेयर कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे देखिए एक प्लस का सिंबल है, क्लिक ऑन दिस प्लस सिंबल यू विल गेट अनदर लेयर। ओके, सो दिस इज लेयर नंबर टू। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं यही ब्रश टूल लेता हूँ, या फिर मैंने अगर प्रैक्टिस में कुछ और ब्रश ग्राउंड के जैसा लगा होगा मुझे तो मैं वो ब्रश ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये वाला ब्रश लेता हूँ। ओके, सो दिस यू हैव टू डू सम हिट एंड ट्रायल। ग्राउंड का कलर मुझे चाहिए थोड़ा सा ब्राउनिश कलर चाहिए, ऐसे लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे एक बार क्लिक करके देखिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड बन रहा है लाइक दिस। ब्रश छोटा बड़ा करके आप कर सकते हैं ऐसे लाइक दिस, मैंने इसमें डाल दिया। सो नाउ वी आर रफली डूइंग, कोई ऐसा 100% परफेक्ट बनेगा वैसा कुछ नहीं है, यू आर एक्सप्लोरिंग टूल्स। ओके, यहाँ पे और एक चीज़, हमारा कंट्रोल जेड इज अंडू, कंट्रोल जेड कर देंगे अंडू हो जाएगा। मैं ओपासिटी रिड्यूस करके ड्रॉ करता हूँ, मैंने ओपासिटी रिड्यूस करना मैं भूल गया था, इसीलिए क्या हुआ मेरा शेड जो आया वो पूरा फ्लैट कलर आ गया। अभी देखिए मैं क्लिक को रिलीज कर करके ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा नीचे देखिए कैसे पैचेस बन रहा है लाइक दिस। सो दिस पैचेस विल मेक इट लुक रियलिस्टिक लाइक दिस। ग्राउंड जैसे मिट्टी में मैला होके जैसे बनता है एक टाइप का, ओके मिट्टी का एक्चुअली कलर जो होता है, मैला नहीं बोल सकते, मिट्टी का तो मिट्टी जैसा ही कलर होता है। ओके, सो वैसा हमने ऐसे यहाँ पे बनाया। ओके, सपोज दिस इज द ग्राउंड शेप विच आई हैव क्रिएटेड। ओके, सो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर कुछ ग्रास करना चाहता हूँ। सो जो भी करेंगे, न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले, न्यू लेयर, उसके बाद यहाँ से कलर ले जाएंगे, ग्रीन कलर मुझे चाहिए, आई टेक ग्रीन कलर। यहाँ से ग्रास का ब्रश देखेंगे, हमने प्रैक्टिस किया था तो एक ग्रास मिला था, वो कौन सा था, आई थिंक दिस वन, ये वाला ग्रास मैं लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन में डालिए, ये देखिए ग्रास, देखिए ग्रास का भी ओपासिटी, हर चीज़ को ओपासिटी कम करके डालिए, आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कीजिए, मैं यहाँ पे रहा, मेरा ग्रास ऐसे बना है। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे में एक कलर क्या करता हूँ, मैं एक लाइट कलर ले जाता हूँ लाइक दिस। ओके, सो मैं क्या करूँगा, आई विल इंटरचेंज। ओके, मैं कभी ये वाला कलर से ड्रॉ करूँगा, देखिए ये वाला कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं इंटरचेंज कर दूँगा कलर। अभी देखिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ। ग्रास अगर सिंगल कलर में बनेगा ये तो मतलब छोटे बच्चों के ड्राइंग के जैसा लगेगा। ओके, लेकिन जब आप मल्टीपल कलर यूज़ करते हैं लाइक दिस, देन यू विल गेट ए शेड, आपको लगेगा कि एक शेड आ रहा है। ओके, यहाँ पे फिर से मैं कलर इंटरचेंज किया, फिर मैं थोड़ा डाला। ओके, सो इट विल बी जस्ट लाइक मिक्स। जब आर्टिस्ट पेंटिंग करता है तो वो क्या करता है, यहाँ से थोड़ा कलर, वहाँ से थोड़ा कलर, फिर वहाँ से थोड़ा, फिर वहाँ से थोड़ा, ऐसे मिक्सिंग करके करता है, तब जाके एक अच्छा चीज़ बनता है। सो उसी तरह हम लोग यहाँ पे वेरिएशन करते जाएंगे। आप देखेंगे जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे एक ड्राइंग में वो उतना अच्छा होता जाएगा। मैंने अभी सिर्फ 2 मिनट डाला तो 2 मिनट में इस तरीके का आया। मैं अभी देखिए और 2 मिनट इन्वेस्ट करूँगा तो देखिए कैसे आता है। मैंने नया लेयर लिया, मैंने एक पहाड़ देखा था जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वो माउंटेन कौन सा था, आई थिंक इट वॉज, थोड़ा याद रखना पड़ता है एक्चुअली, ये वाला माउंटेन था आई थिंक, सब तो सेम दिख रहा है, ये वाला माउंटेन था, हाँ इसको मैंने लिया, ये ब्राउन कलर होगा, इसको मैंने डार्क ब्राउन लिया, या फिर थोड़ा सा ग्रे कलर ले सकते हैं। ओके, सो टेक सम डार्क ब्राउन, ये मिक्स हो जाएगा इसीलिए थोड़ा ग्रेइश लीजिए, तो क्योंकि माउंटेन कुछ कुछ ग्रे कलर का भी होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 डाला, यहाँ पे 1 2 3। अभी देखिए मेरा जो लेयर बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल नीड टू इंटरचेंज दिस लेयर्स। ये जो लेयर 4 है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मूव लेयर और मास्क डाउन, इसको एक लेयर ऐसे क्लिक कर देंगे, वो और एक नीचे करेंगे, मेरा ग्राउंड के पीछे जाना चाहिए, ये देखिए ये वाला ग्राउंड के पीछे चला जाएगा। अभी आप इसको डेवलप कीजिए ड्राइंग। ओके, सो देखिए इस तरीके का एक आउटलाइन शेप इसके पीछे बन गया लाइक दिस। अभी मैं एक नया लेयर करूँगा इसी के ऊपर,
मेरे देखिए और कुछ तरीके का और कुछ टाइप का यहाँ पे मुझे ब्रश दिख रहा है जो ग्रास के जैसा है ये वाला। ओके इसको फिर से ग्रीन कलर लेते हैं। ओके इसका ब्रश साइज छोटा कीजिए और इसको यहाँ पे डालते जाइए लाइन। ओके सो इसको भी ग्राउंड के पीछे डाला है, इसको ग्राउंड के ऊपर ले जाता है। ओके ब्राउन कलर के ऊपर इसको ले जाते हैं लाइक दिस। हाँ ये देखिए ओपासिटी में भूल जाता हूँ रिड्यूस करना, ओपासिटी अभी मैं रिड्यूस करता हूँ। पहले से रिड्यूस करना चाहिए तब जाके आपका कलर वेरिएशन अच्छे से पता चलेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डेवलप किया, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल अगर प्लस करेंगे जब हम मूव टूल लेते हैं माउस को, अगर जब रोल करते हैं तो जूम इन होता है और अगर हम स्पेस बार प्रेस करके ड्रैग करते हैं तो पैन होता है, ये याद रखिए। माउस रोल इन इज जूम इन जूम आउट एंड होल्ड द स्पेस बार देन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, दिस इज पैन। तो आप इसको यहाँ पे पैन कर सकते हैं। तो जिन लोगों का पेंटिंग थोड़ा अच्छा होता है या पेंटिंग में इंटरेस्ट है वो लोग अच्छे से बना सकते हैं। ओके या जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन क्रिएटिविटी एक है, उनको एक आइडिया है कि ऐसे करने से चीज़ें अच्छी होंगी, तो उन लोगों का भी बहुत अच्छे से बनेगा। ओके यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टाइप के ब्रशेस हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिज़ाइंस ड्रॉ करने के लिए। ओके ये देखिए इस ब्रश से कुछ ऐसे राउंड शेप्स बन रहे हैं। ओके ये ऊपर का लेयर मैंने लिया है, नहीं इसमें ड्राइंग कुछ खास नहीं आ रहा है, और कोई ब्रश लीजिए, सॉरी ये वाला टाइप का ब्रश से लेते हैं, इधर से कुछ बनेगा शायद। देखिए हाँ ये इसका ब्रश छोटा करते हैं। ठीक है यहाँ पे मान लीजिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर लेते हैं, ये टाइप का ग्रीन कलर लेता हूँ, ब्रश छोटा करता हूँ और इसको मैं ऐसे डाल देता हूँ लाइक। ये भी देखिए बुशेस को वो थोड़ा क्वालिटी ऐड कर रहा है लाइक दिस। बहुत बढ़िया से बनेगा। ओके ये तो सिर्फ हमने शुरुआत किया है, आगे आगे आप करते जाएंगे इमेजिनेशन के साथ तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे शेप्स बनेंगे। ओके ये तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसको यहाँ पे डालने से कैसे लगेगा। ओके सो यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हम यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप किए, आपने देखा होगा ये अच्छा लगेगा। कुछ कैमरास क्या होते हैं, आप अगर कॉर्नर ट्री प्लेस करेंगे ऐसा लगेगा जैसे कुछ रियलिस्टिक चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। ओके ये वही ये भी ऐसा है, ये देखिए हाँ ये अच्छा रहता। ये नया लेयर बनाएंगे, न्यू लेयर, इसको यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह का पेड़ भी डाल देते हैं, कलर इंटरचेंज करके डालते हैं। ये देखिए ये अगर इतना परफेक्ट आप अगर ब्रश को छोटा बड़ा करके करते ज़िंदगी में नहीं कभी नहीं कर पाते, मतलब बहुत टाइम लगता, लेकिन सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप अपना क्रिएटिविटी को कितना आसानी से देखिए ला सकते हैं। ये देखिए आया, देखिए 5 मिनट पहला मेरा काम को देखिए और 5 मिनट के बाद अभी जो हुआ देखिए, अभी हम 5 मिनट और इन्वेस्ट करेंगे अभी देखिए और थोड़ा बेटर होगा। सो पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि फटाफट से एक अच्छा बन जाएगा, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जो बहुत साल डिजिटल पेंटिंग काम पे काम करते हैं वो भी क्रीटा सॉफ्टवेयर में, वो लोग फटाफट परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जब कोई न्यू कमर बनाता है तो उसको बहुत चीज़ सोच सोच के करना पड़ता है कि ये ठीक होगा या नहीं, वो ठीक होगा या नहीं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। और लेयर करने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए लेयर 7 में मैंने कुछ ड्राइंग कर दिया, मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो मैं चाहूँ तो उस लेयर को डिलीट कर दे सकता हूँ, या फिर उस लेयर में जो बनाया है उसको ऐसे हाइड कर दे सकता हूँ लाइक दिस। अभी मान लीजिए मुझे लगा ये पहाड़ नहीं होता तो अच्छा होता, देखते हैं कैसे होता है, मैं लेयर 4 को मैं हाइड कर दिया, अभी देखिए बिना पहाड़ के मेरा पेंटिंग ऐसा है। ओके अभी मैं बोलूँगा पहाड़ के साथ कैसा है, हाँ ऐसा है। ठीक है सो इस तरह का चीज़ों को आप एक्सप्लोर कीजिए और अपना एक डिजिटल पेंटिंग बना के सेव कीजिए। अभी मैंने कोई इमेज का रेफरेंस देख के नहीं बनाया, आप अगर कोई इमेज का रेफरेंस देख के बनाएंगे तो आपको और थोड़ा अच्छे से आइडिया आएगा। ओके सो दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे आज का क्लास वर्क है, आपको एक डिजिटल पेंटिंग क्रिएट करना है। मैंने जैसे बनाया वैसे एग्जैक्टली बनाने का ज़रूरत नहीं है,
इन टूल्स को यूज़ कीजिए, ब्रश का टूल्स को और भी ब्रश का टूल्स को एक्सप्लोर कीजिए। किसी को अगर लगता है कि आप डिजिटल पेंटिंग नहीं बना सकते, आप और कुछ अच्छे से बना सकते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइंग का कार्टून या इलुस्ट्रेशन कुछ अच्छे से बना सकते हैं इस ब्रश को यूज़ करके, स्केच अच्छे से बना सकते हैं, तो आप वो भी क्लास वर्क में कर सकते हैं, नो इश्यूज़। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ब्रश का यूज़ सॉफ्टवेयर में मालूम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पेंट ब्रश और नॉर्मल ब्रशेस से ये भी स्टेप आगे है, क्योंकि इसका ब्रश जो है इससे अगर आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और बढ़िया ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लास। आज के क्लास में हमने सिर्फ डिजिटल पेंटिंग करना सीखा, सो आप इसको अच्छे से बनाइए, कोई डिजिटल पेंटिंग या कोई डिजिटल स्केच बना के सेव कीजिए। इसको आपको क्लास वर्क सेंड करना पड़ेगा, आप इसको मैं आपको एक लिंक दूंगा, ओके, गूगल फॉर्म्स का एक लिंक दूंगा, सो दैट आप उसमें ये वाला जो फाइल करेंगे, इसको सेव भी बता देता हूँ। देखिए, फाइल में जाएंगे, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, दो बार सेव करना पड़ेगा, एक बार क्रिटा फॉर्मेट में, आई गिव इट क्लास वन डिजिटल पेंटिंग। फोटो नेमिंग का एक सेशन है, थ्योरी में अभी पढ़ाऊंगा, आपको बोर लगेगा। सो फाइल नेमिंग का एक पूरा कंप्यूटर फाइल नेम मैनेजमेंट का एक 15 मिनट का सेशन मैं कभी आपका लूँगा, ओके। इसके बाद आप कभी अपना फाइल को गलत से नेम नहीं करेंगे, ओके। एक आदत बन जाएगा कि परफेक्टली नेम किया जाए, ओके। सो मैंने इसको क्लास वन डिजिटल पेंटिंग क्रिटा फॉर्मेट में सेव किया। इस फॉर्मेट में सेव करने से क्या होगा, कंप्यूटर आपका ये लेयर इन्फॉर्मेशन सब सेव कर लेगा, तो फ्यूचर में आप ये फाइल ओपन करके इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये फाइल आपको किसी को भेजना है, व्हाट्सएप में सेंड करना है, जीमेल में देना है या किसी को भेजना है, तो आप सिर्फ फाइल सेव करेंगे तो वो फाइल किसी को कोई देख नहीं पाएगा जिसके पास क्रिटा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू फाइल सेव एज, ओके। सो आप यहाँ सेव एज में जा सकते हैं और यहाँ पे आप फॉर्मेट चूज करेंगे JPG, ओके। यहाँ पे देखिए आपका JPG इमेज फॉर्मेट है, ये वाला JPG पेंटिंग इमेज यहाँ पे सेव कर लीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्वालिटी 100 रखिए और कुछ चेंज नहीं करना है, ओके कर दीजिए, ओके। सो अभी हम लोग अपना फोल्डर में जाते हैं जहाँ पे हमने सेव किया, हम लोग देख लेंगे हुआ है कि नहीं। ये देखिए JPG फाइल मेरा बन गया है, ये वाला JPG फाइल मैं अगर किसी को भी चाहूँ तो किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, जस्ट दिस इज़ माई फर्स्ट वर्क, ओके। अच्छे से बनाइए, ओके। सन यहाँ पे डालिए, कुछ क्लाउड्स डालिए, क्लाउड्स तो डाला हुआ है, सन डालिए, उसी ब्रश से सन अच्छे से बना सकते हैं। तो पहला एक डिजिटल पेंटिंग बनाइए, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। सो आई विल कम एंड कम ऑनलाइन एंड क्लियर इट, या फिर आपको व्हाट्सएप में ही मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊँगा या ईमेल में दे दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दूँगा, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास ऑफ डिजिटल पेंटिंग ऑन क्रिटा। पूरा वीडियो मेरा आप सुनिए तो इससे आप बीच बीच में जो पॉइंट्स हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो प्रैक्टिकल वीडियोस थोड़ा ज़्यादा टाइम के ही बनते हैं, इसमें थ्योरी बहुत समझाना पड़ता है, तो अच्छे से आप पूरा स्टेप वाइज करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।